मॉर्निंग, मारू नाम अल्पेश सुतरिया है, मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी डिसेबिलिटी 80% है। मेरा जन्म भावनगर में हुआ था और मेरा माता पिता खेती काम करते थे। मुझे 3 साल का था तब पोलियो हो गया था। पोलियो की वजह से पूरा शरीर मेरा पोलियोग्रस्त डैप हो गया। उसमें मेरे दोनों पैर और एक हाथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई। उसकी वजह से मुझे चलने में बहुत दिक्कत होने लगी और पोलियो का कोई इलाज नहीं होने के वजह से मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी पड़ रही है। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई भावनगर में ही किया है। 2009 में भावनगर से मैंने स्पोर्ट्स का शुरुआत किया। स्पोर्ट्स में मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा रुचि रखता था, लेकिन मैं खेल नहीं पाता था क्योंकि मैं चलने फिरने में असमर्थ था। उसकी वजह से मुझे मन में बहुत दुख हो रहा था। तब मुझे कंप्यूटर में नाई के बारे में पता चला, तो मैंने वेबसाइट में सब ढूंढा और ओलंपिक के बारे में मुझे जानकारी मिली। तब मुझे लगा कि ये स्किल का जो खेल है उसमें भी हम खेल सकते हैं। तो मैंने उसकी इंक्वायरी करके साइट पे देखा कि सार्थक और नाई दोनों मिलके हर 4 साल पे एक स्किल कॉम्पिटिशन करता है। उसमें रीजनल लेवल से स्टार्ट करके इंटरनेशनल तक खिलाड़ी पहुँचते हैं। तो मैंने उसी में मेरा फ्लावर अरेंजमेंट का इवेंट चॉइस किया और मैं फ्लावर अरेंजमेंट का जो मेरा इवेंट है वो मेरा पैशन है, मुझे बहुत शौक है। तो उसकी वजह से मैंने फ्लावर अरेंजमेंट में 2019 में रीजनल ओलंपिक बॉम्बे में हुआ था, तब मैंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। बाद में 1 साल के बाद मुझे दोबारा नेशनल में जाने का मौका मिला। तब मैंने 2019-20 में दिल्ली में नेशनल ओलंपिक का इवेंट हुआ, वहाँ पे भी मैंने फ्लावर अरेंजमेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल जाने का मौका था और सार्थक ने मुझे ऑनलाइन और वो सब ट्रेनिंग भी दिलवाई थी। तब से मुझे लगा था कि मैं एक इंटरनेशनल तक पहुँचूंगा। 2023 में दोबारा ये रीजनल ओलंपिक की इवेंट हुआ, तो गोवा में अभी रिसेंटली उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। अब मैं नेशनल और इंटरनेशनल जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ।